हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मन्नत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग के एक फ़ोन आया है, सैमसंग J4 प्लस जो है। इसमें दोस्तों यह प्रॉब्लम है कि इसमें चार्जिंग नहीं होता है, ठीक है। ये कहीं पे दूसरे शॉप पे गया था, वहाँ से रिटर्न आया कि चार्जिंग नहीं हो रहा है बोल के। तो मैंने इसको जब खोल के देखा तो इसमें जो एक जो चार्जिंग IC होता है वो इसमें है नहीं। तो यहाँ पे हमने जब इसको अच्छे से चेक किया तो यहाँ पे IC नहीं है, और इसको हमने तो ऑलरेडी रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसमें जो आपको इंडिकेटर शो आता है, मतलब एरर आता है कुछ चार्जिंग लगाने के बाद वो टाइम में रेड कलर में या येलो कलर में स्क्रीन के ऊपर, वैसा फॉल्ट भी आप इसको इसमें जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो उस IC की वजह से आता है। अगर आपके पास नया IC होगा तो यहाँ पे एक 12 लाख का IC आता है, वो अगर आप उसको लगा दें तो परफेक्टली जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो फिलहाल अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसको कैसे रेडी करें, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसका यहाँ पे जो IC है, अगर वो नहीं रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्ट करके उसको रेडी कर सकते हैं। मतलब हमको क्या है, यहाँ से हमको अगर हम चार्जिंग पिन का सप्लाई देते हैं तो यहाँ से सप्लाई पास होके अपोजिट तक सप्लाई जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा सप्लाई आ जाता है 5.2 या 5.1 या 4.9 या 4.8 कुछ सप्लाई आ जाता है चार्जिंग का, और यहाँ से पास होकर थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है वो चार्जिंग, मतलब एक 10-15 एम्पियर जो है कम हो जाता है, आगे पीछे होता रहता है। तो ऐसे कंट्रोल के लिए लगाया हुआ रहता है, जिससे आपका चार्जिंग जो फुल हो जाने के बाद में जो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज कर देना, मतलब चार्जिंग पास नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से वो IC काम करता है। अगर वो हमारे पास नहीं होता है तो हम डायरेक्टली जो क्या कर सकते हैं, बैटरी पिन का प्लस पॉइंट से जम्पर लेके इस पर लगा देने से हमारा काम हो जाता है। मगर आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स नहीं हैं। तो हमको इसमें मेन क्या चीज़ ज़रूरी, हमको मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये कॉइल नहीं रहेगा भी तो चलेगा, ठीक है। आपके पास ये जो कॉइल है, चार्जिंग कॉइल नहीं रहेगा भी तो चलेगा, और यहाँ पे IC नहीं रहेगा भी तो चलेगा, ठीक है। और इधर ऑपोजिट में 2 कैपेसिटर और 2 छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे 2 कैपेसिटर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे वो कैपेसिटर भी नहीं, यहाँ पे IC भी नहीं, 2 रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे है। तो अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें तो आपको जो करना क्या है इसमें काम, फिलहाल तो मेरा कैमरा क्वालिटी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा उतना खास है नहीं। तो आपको सिंपली जो क्या करना है, देखिए चार्जिंग पिन का प्लस से इस पर आ रहा है, यहाँ से जंपर लेके आपको सीधा आके इस साइड में मार देना है, ठीक है। इस साइड में एक कैपेसिटर रहता है, सॉरी कैपेसिटर बोलते हैं, कनेक्शन रहता है, मतलब IC के थोड़ा सा ऊपर में ही आपको वहाँ पे एक जंपर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 छोटे छोटे कैपेसिटर रहेंगे, अगर आपके पास नहीं है, अगर वो टूटा है तो आप उस दोनों को शॉर्ट कर दीजिए। देखिए आपको शायद कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे 2 कैपेसिटर जो मेरे पास नहीं था मैंने उसको वायर की मदद से शॉर्ट कर दिया है, और जंपर जो है मैंने यहाँ से लेके आके डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे मैंने जंपर मार दिया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। और यहाँ पे जो एक कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर आपके पास नहीं रहेगा तो आप लगा दीजिएगा, किसी भी पुराने मोबाइल से निकाल के आप लगा देंगे तो आपका जो चार्जिंग एरर का जो प्रॉब्लम आता है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ही आता है, तो आप इसको निकाल के दूसरा लगाएंगे भी तो होता है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो वो लगाने से, अगर आपके पास कॉइल नहीं हुआ, IC नहीं हुआ भी तो कोई बात नहीं, आपका जो है चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक इमेज आपको दे दूंगा, इसका डायग्राम का जो इमेज होता है, मतलब ये कनेक्शन चार्जिंग पिन का कौन कहाँ कहाँ पे जा रहा है उसका आपका एक इमेज आ रहा होगा अभी एक स्क्रीन पे। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, देख के चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट लेके भी, नहीं तो आप पोस्ट करके भी आप चाहे तो अपना कनेक्शन चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जो है इसको मदरबोर्ड में लगाते हैं, और मदरबोर्ड में लगा के हम चेक करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम तो सॉल्व है ही है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग शो कर रहा है
और देखते हैं कि परसेंटेज दिखाता है कि नहीं, जो हमारे चार्जिंग परसेंटेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग एकदम हो रहा है, यहाँ पे 9% हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एकदम इजी सॉल्यूशन है, ज़्यादा कुछ बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।